प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो भारतीय मूल के, पर वो चाइना में रहते हैं। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन साहब। सबको सर, उनके खुद के चैनल में भी अब हम देखने लगे हैं। देखें क्या टाइम आ गया है कि हम उनके चैनल में भी उनको देखते हैं और दूसरों के चैनल में भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैंने सुना आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं भारत से और आप उन्हें घुमा रहे हैं, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी शो कर लेते हैं। और सबसे पहली बात, SCO की मीटिंग हो गई, आपके चाइना से भी लोग आए, डॉक्टर जयशंकर भी आए और बड़ा एक अच्छा टाइम उन्होंने गुजारा। आपने देखा कि एम्बेसी से भी जो वॉक कर रहे हैं, तो कभी प्लांट लगा रहे हैं तो कभी क्या हो रहा है। कैसे देखते हैं आप SCO मीटिंग को और क्या लगा आपको डॉक्टर जयशंकर के विजिट को लेकर? देखिए, मुझे तो पहले जब वो एंटर किया उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, ऐसा लग रहा था जैसे कि जेम्स बॉन्ड प्लेन से उतर रहे हों, चश्मा लगा के, जैसे उन्होंने सनग्लासेस लगाए हैं। ही वॉज अ सेलिब्रिटी भाई। उस सीन ने ही सारी जो लाइमलाइट है वो पाकिस्तान और चाइना से निकाल कर वो जयशंकर जी के ऊपर आ गई भाई। ही रियली केम लाइक अ जेम्स बॉन्ड, जैसे दुश्मन कंट्री में जाकर जेम्स बॉन्ड सारे काम कर वहाँ से कोनों को लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। मुझे लगता है उनके प्लेन में 5-10 लड़कियाँ आ गई होंगी उनके साथ, जैसे जेम्स बॉन्ड का एक स्टाइल होता है। नहीं, उन्होंने जगह रखी थी जाकिर नाइक के लिए, तो इसलिए उन्होंने लड़कियों वाला प्लान छोड़ दिया था। सोचा था जाकिर नाइक को ले जाएंगे, लेकिन वो जाकिर नाइक उस वक्त तक पहुँचे नहीं इस्लामाबाद, इसलिए रह गए। देखिए आरजू जी, जयशंकर हैं ये कोई शहबाज शरीफ नहीं है कि नलायकों को साथ में बिठाएंगे। और ये जयशंकर सर, हम हैंडओवर करने लगे थे, क्या बात कर रहे हैं आप? हम उन्हें अच्छा दे रहे थे। आप हैंडओवर करवाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि एक नलायक ने आकर आपके कंट्री में इस्लाम की ही बेइज्जती कर दी, इसलिए आपको लगा कि इसको हैंडओवर कर दिया जाए तो बेटर है। पहली बात ये, आप हमें हैंडओवर क्या करेंगी मैडम? हमने लात मारकर अपनी कंट्री से बाहर भेजा था कि इस गंदे आदमी के पैर हमारी धरती के ऊपर भी पड़ने नहीं चाहिए। उसी बंदे को आपने स्टेट गेस्ट बुला लिया अपने पास। देखिए, यही होता है, नलायकों की यही खासियत होती है, नलायकों के दोस्त भी नलायक ही होते हैं और जो इंटेलिजेंट होते हैं उनके दोस्त भी इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए जयशंकर जी ने वहां पर आकर जो आपकी वाट लगाई है भाई, मजा आ गया। अब वाट तो लगाई कैसे थी कि पहले तो वाट लगाई मोदी जी ने, अब आप बोलेंगे मोदी जी तो आई ही नहीं तो वाट कैसे लगी? ओ भाई, वो नहीं आए हैं इसीलिए वाट लगी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे पैर के नीचे जो धूल है ना वो कहीं गंदी ना हो जाए, मैं पाकिस्तान में आऊँगा ही नहीं। उसके बाद उन्होंने बोले, जयशंकर यार तू जाया कोई बात नहीं, एक दो दिन के लिए जो थूक पेशाब वाला खाना खिलाएंगे तू मत खाना, मैं तेरा पैक करके टिफिन। मैं ठीक नहीं हुआ है सर, प्लीज बी सीरियस। हाँ, मैं सीरियसली, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मोदी जी पहले आ चुके और वो धूल मट्टी उनके पाँव में लग चुकी है और ऐसा कुछ गंदा यहाँ पे नहीं है। इतना उन्होंने वो जब यहाँ से निकले थे पाकिस्तान से, जब वो चूड़ियाँ और साड़ियाँ देने गए थे ना आपके आर्मी चीफ को, उस वाली बात कर रही हैं। उसके बाद जूते वो वहीं पर फेंक कर गए थे, पता नहीं किसके मार के गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जूते वापस जब वापस आए हैं वो सेम जूते नहीं थे जो पाकिस्तान में डाले थे। दूसरी बात, अभी जयशंकर जी ने किया क्या SCO मीटिंग में? दो काम करें। वैसे आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि अब आप पाकिस्तान में नहीं रहने वाली कुछ देर के बाद। उसका रीज़न है कि उन्होंने एक तो धरती के ऊपर पैर रखा, एयरफोर्स के प्लेन में आए थे वो, नॉर्मल प्लेन में जाते हैं लेकिन इस बार एयरफोर्स के प्लेन में आए हैं आपकी कंट्री में, और आपकी एयर स्पेस ने उनको अलाउ भी किया है हमारे एयरफोर्स के प्लेन को जाने के लिए, पहली बात। दूसरा, उन्होंने वहाँ पर जाकर बूटा भी लगा दिया, बल्कि बूट डाले आपकी कंट्री में और उसके बाद बूटा लगा दिया। अब बूटा लगाने का एक सिंबॉलिक मकसद होता है, जब आप बूटा लगाते हैं इसका मतलब है कि आप वहाँ जाकर अपनी जो रियासत है उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये मेरी रियासत है। जब भी कोई राजा दूसरे राज्य की कंट्री में जाता है तो वो वहाँ जाकर बूटा लगाकर ये बोलता है कि ये अब मेरा हो गया, यानी कि अब POK के ऊपर हम क्लेम नहीं कर रहे, हम तो पाकिस्तान को ही क्लेम कर लिया। तो आप अब, मुझे नहीं लगता कि आपको भारत में आने की वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, काम हो गया आपका तमाम।
दूसरा SCO की मीटिंग में एक चीज़ बोली उन्होंने, तीन वर्ड्स बोले वैसे तो, जो चाइनीज़ मीडिया में भी रेजोनेट कर रहे हैं, मुझे चाइनीज़ मीडिया ने बताया क्योंकि भारत की मीडिया इसको कवर नहीं किया। उन्होंने तीन वर्ड यूज़ किए कि भाई टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, ये जो तीन चीज़ें हैं अगर कोई करता है तो नालायक है और उसके साथ बैठकर दोस्ती तो हो नहीं सकती, और अगर वो नेबरर है फिर तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब ये तीन चीज़ें कौन कर रहा है? भाई चाइना तो कर नहीं रहा, बांग्लादेश नहीं कर रहा, म्यांमार नहीं कर रहा, ईरान नहीं कर रहा, अफगानिस्तान नहीं कर रहा, श्रीलंका नहीं कर रहा, एक आप ही तो है मैडम जो ये तीनों चीज़ें कर रही हैं और बड़े धड़ल्ले से कर रही हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि ये तीन चीज़ें आप, मतलब कि आप समझती है ना कि चलो आप तो एक एजेंट, लेकिन उससे पहले सर एक मिनट के लिए रोकूंगी आप, उससे पहले जो आपने क्लेम किया है कि आप पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लांट लगा दिया गया, बूटा जो लगाया गया है, तो अब मैं तमाम दुनिया से कहूँगी जिसको पाकिस्तान से अपना पैसा वापस लेना है वो जाके भारत से ले, इसलिए कि अब हम भारत का हिस्सा हो गए जैसा कि सुमित जैन साहब ने क्लेम किया है। तो अब सारा पैसा जाकर भारत से मांगे, IMF भी, वर्ल्ड बैंक भी, सऊदी अरब भी, चाइना भी, हमारा पीछा छोड़े। तो मैंने ही अभी मोदी जी से बात करी थी कि मोदी जी आपने बूटा लगा के तो बेवकूफ़ी कर ली, अब आप इसका फॉर्मूला क्या है, ये तो सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो मोदी जी ने मुझे समझाया कि यार तुम भी ना आरजू के साथ लेके, तेरा भी दिमाग है भेजा फ्राई हो गया है। एक्चुअल में हम वहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर 370 लगाने वाले हैं, उनको 370 चाहिए, ऑटोनोमस बॉडी 370 लगा देंगे और जिनको पैसा लेने वो पाकिस्तान से लेते रहे, हम तो जो है उनके सिर्फ दो तीन काम हैं, फॉरेन पॉलिसी होगी और ये सारे काम ये हम संभालने वाले हैं, बाकी तो इनका स्यापा वो खुद ही करेंगे जैसा कि वो चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मेरी मोदी जी से बड़ी क्लियरली बात हो गई है कि आपके ऊपर 370 लगा के हम आपको ऑटोनोमस, जैसे आप कहते हैं ना वो ये हो गया वो हो गया, हम यूनाइटेड नेशन में ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सारा कुछ हम करवाने वाले हैं आपके साथ। तो ये तो हो गया कि आपके जो मिसाइल हैं, आज ही मुझे एक पाकिस्तान मिला था, कहता जी हम ना पाकिस्तान में बड़ा कुछ यहाँ से चाइना से इंपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन हमारे मिसाइल बहुत हैं। आई सेड तुम्हारे पास मिसाइल ही इतने हैं इसलिए तुम्हें कोई इंपोर्ट नहीं करने देता, अगर तुम थोड़े मिसाइलें कम कर दो अपनी तो तुम्हारे जो है सारे से सैपे ये ख़त्म हो जाएंगे। तो वो भाग गया उसके बाद जैसे ही मैंने उसको मिसाइलों का नाम लिया। तो अभी जयशंकर जी SCO की मीटिंग में आकर, देखिए बहुत ही एक अच्छी मीटिंग जयशंकर जी ने करी, कई जो नलायक होते हैं उनको आईना दिखा दिया कि भैया तुम नलायक हो, तुम कभी भी ठीक नहीं कर सकते अपने आप को, तुम ठीक करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ ठीक हो भी सकता है। और साथ में ये भी बोल दिया कि वी अंडरस्टैंड जो फॉरेन डेट जिसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो तकलीफ पता नहीं कहाँ कहाँ होती है। तो साथ में उन्होंने बोल भी दिया, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वो कुछ भी बोल सकते हैं, इवन कि BRI के ऊपर, पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर बैठकर उन्होंने BRI की बात भी करी कि ये एक ब्राइबरी का धंधा है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, हम इसे सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी फॉर्म के अंदर। तो उन्होंने आपका डेट की बात, आपका बूटा लगाने का काम, ऊपर से टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म की बात, ऊपर से BRI के साथ साथ चाइना को भी धकेल दिया कि भाई तो तुम जो कर रहे हो वो गलत है, प्लस पाकिस्तान की धरती पर बैठकर ये बोलना कि यूनाइटेड नेशंस को अब जो वॉइसेस हैं दूसरे कंट्रीज़ की भी वो भी सुननी चाहिए, उन्हें भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलना चाहिए, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट की दावेदारी हमने पाकिस्तान की धरती के ऊपर बैठकर रशिया और चाइना के सामने वो भी ठोक दिया है। यानी कि कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसे जयशंकर जी ने कवर नहीं किया हो, और लाइमलाइट चाहता था चाइना कि वहाँ पर आकर वो जयशंकर जी के सामने दिखाएं कि देखिए मेरा कितना वर्चस्व है या मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में। किसी को पता भी नहीं लगा कि चाइना का प्राइम मिनिस्टर आया भी हुआ है, सारी लाइमलाइट जयशंकर जी उड़ा कर ले गए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और सुमित जैन साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी मजेदार लगा होगा और इस पूरे डिस्कशन को आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा, जहां पे दोनों ने बात की एस जयशंकर साहब की, जिनका अभी पाकिस्तान का दौरा हुआ, और दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।